फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो अभी रात के 11 बजे हुए हैं, हम लोग बाहर से सब घूम घूम के आ चुके हैं। तो हुआ कि यहाँ तो होटल रात के 2 बजे तक खुले रहते हैं, तो अभी तो सब लोग शाम को नाश्ता किए थे तो किसी को भूख लगा नहीं। तो हुआ कि अभी हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं, जो भी यहाँ का लोकल मार्केट है, जो थोड़ा बहुत सामान है उसको ले लेते हैं। हाँ, बताते हैं, ले लेते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले ये हम लक्ष्मी, जो घर की लक्ष्मी होती है, झाड़ू भगवान जी का एक तो झाड़ने के लिए। क्या बताइए, बताइए, ये झाड़ू है ना, झाड़ू हम लिए हैं भगवान जी का एक में, जो अच्छा तो छत गिरता है उसको झाड़ने के लिए। और एक डमरू पसंद करते हैं, देखते हैं डमरू जो समझ में आएगा, भोले बाबा का फेवरेट डमरू, डमरू लेते हैं। आज के इस ब्लॉग में हम इस उज्जैन का सारा मार्केटिंग ही आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या बिक रहा है और हम क्या क्या ले रहे हैं। मम्मी, कहाँ से हम झाड़ू लिए हैं? हाँ, प्रचार होगा, बताइए आपके दुकान पर कितना आदमी? आवाज़ें नहीं, आपको निकलना है, पता नहीं क्या खाई पी है। चलिए, अब इन्हीं के यहाँ सब झाड़ू लिए हैं, अभी डब्लू देख रहे हैं, पसंद आता है तो लेते हैं। ये साइज नहीं ठीक है दीदी, ये वाला साइज नहीं ठीक है, थोड़ा छोटा हो जा रहा है। अच्छा सा देख के इसी को निकालिए। अभी रात के 11 बजे हुए हैं, लेकिन इतना चहल पहल पूरे मार्केट में है कि आपको लगेगा कि अभी 6-7 बजे हुए हैं। यहाँ 2 बजे तक ऐसी चहल पहल रहता है मार्केट में। जो आपको सही लग रहा है आप अपना पसंद से दीजिए। मेरी पसंद चंदन भी एक डिब्बा ले लेना, हम ले लिए। ये ठेला पर से ही दीदी अभी प्रसाद ले गई है बांटने के लिए और चंदन ले गई है। तो हमको दीदी मार्केट में मिल गई, हम लोग बहन लोग आगे पीछे हो गए थे, तो हम बोले कि चलो हम भी यहीं से ले लेते हैं प्रसाद। मेरे लिए वही प्रसाद देने वाला दे दो और एक चंदन का डिब्बी ले लो। और क्या क्या ले लेना है यहाँ से? पूरा हो जाएगा ठीक है। कितना है? 12। एक डिब्बा में कितना है? 12 पीस। मतलब पैसे हमको चार दो ये। हाँ, इसमें से निकाल के दे देना, हम दे देंगे, हम दे देंगे, ले लो। हाँ, हम दे देंगे। तो ये पूरा पैकेट दिखा दो। लिए ये पूरा पैकेट ही हम लोग ले ले रहे हैं, जिसमें कि 12 पीस है, तो देने के लिए आसान रहता है। अगर डिब्बा बना रहता है तो देने के लिए भी आसान। धाम में आदमी जाता है तो प्रसाद देने में बांटने में आराम रहता है। इसके साथ अपना सिंदूर विंदूर लगा के दे देता है। दे दीजिए और एक चंदन दे दीजिए। अच्छा वाला चंदन कौन सा है? जो अच्छा लग रहा है चंदन, वही भोले बाबा को लगाने के लिए। उसको पानी में लग रहा है ना, दे दीजिए, दे दीजिए चंदन भी दे दीजिए। ले लेना चंदन, कौन सा ली डिम्पल दिखा दो। चंदन यहाँ का बोल रही थी कि कुछ स्पेशल है। हाँ, ये चंदन ले ली है, बहुत ही गाना गाना है, खुशबू भी है, कुछ अलग भी है। चलो अब चूड़ी उड़ी ले लेते हैं, कुछ सिंदूर उन्दूर थोड़ा बहुत। अच्छा, ये सिंदूर ले लियो ना, सिंदूर भी है। हम लोग 2 पैकेट ले लिए हैं, क्योंकि धाम के स्थान पे आता है आदमी तो सिंदूर तो जरूर लेता है। चूड़ी सिंदूर बिंदी तीन चीज ये पहना तो ले लिया पहले दीदी। चलो वहीं से लेते हैं, चलो तुमको फटाफट काम हो जाएगा। सब दाम उमता ही रहता है तो आसान रहता है लेने में। चलो हम लोग चूड़ी ले लेते हैं। सुबह भी हम लोग चूड़ी इन्हीं के यहाँ से ले गए हैं। तो अब कल हम लोग को तो निकलना है ओमकालेश्वर मंदिर के लिए। तो ये हम लोग का उज्जैन का लास्ट मार्केटिंग है। आप लोग हाँ ओमकालेश्वर हम लोग जाएंगे। तो हम लोग को लगा कि अब आज का शॉपिंग यहीं पर हम लोग खत्म कर देते हैं। तो सुबह तो कई डिब्बा में चूड़ी ले गए, तो हम लोग को बहुत पसंद पड़ा, दाम भी सही है इनका। तो हम लोग 4-5 डिब्बा अभी और चूड़ी लेना है, ले ले रहे हैं, किसी किसी को देने के भी काम आएगा। दीदी भी अपना ले रही है अपना, भी किसी को आदमी जाता है तो कुछ ना कुछ, तो किसी के लिए कुछ नहीं के जाता है। तो दीदी भी ले रही है, हम भी ले रहे हैं। दिखा तो ये मेरे साइज का हो जाएगा ना? हाँ हाँ, ये फंसेगा नहीं ना जी, काम करने में चाहे कपड़े भी नहीं ना होगा। ये चूड़ी हमको अच्छा लग रहा है, मेरे साइज का भी है, तो हम बोले कि ये वाला चूड़ी मेरे लिए ले लो।
और बाकी और दो तीन बार देखते हैं जो जो पसंद। बहुत ही यहाँ अच्छा लग रहा है आने पे, एकदम मन शांति शांति लग रहा है, एकदम लग ही नहीं रहा है कि कब सुबह कब शाम कब रात हो रहा है। खैर फैमिली पे भी डिपेंड करता है, फैमिली ग्रुप ही हम लोग का इतना मस्त है कि दिन रात का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आज पूरे दिन हम लोग घूमे लेकिन समय कैसे बीत गया कुछ नहीं हम लोग को पता चल रहा है। अब 11:30-12 बजने जा रहा है लेकिन आज भी अभी भी हम लोग को कुछ नहीं पता चल रहा है। अच्छा आप रही थे वो आपके यहाँ से है वो ये चिपकने वाला नहीं है जो दूर से चिपकता है ना वो निकल जाता है, ये इसमें पिंड बनी हुई है पूरी। कुछ नया लग रहा है चूड़ी साइज ठीक है तो ले लो यही ले लो और क्या। सबसे पहले तो साइज का हम लोग को ले लो एक बार ले लो और क्या और भी इसी तरह का मुँह में टेढ़ा करके खोलो। अब बहुत शौक था हमको ऐसे ऐसे करके निकालने का। अपने हाथ में डाले जिसमें तो चल ही जाता है किसी भी लेडीज का, ये हाथ बाया हाथ लाल रहता है दाना हाथ रहता है ये तो कुछ ज्यादा ही चल रहा है लेकिन पार्टियों के लिए ठीक है। ये रेस्टोरेंट बंद हो रहा दीदी, रेस्टोरेंट बंद हो रहा है, एक शटर गिर गया। इतना सुंदर मौसम किया है हमारे बिहार पटना में तो बहुत ही गर्मी है और यहाँ आते ही इतना सुहाना मौसम हो गया भोले बाबा की नगरी में कि दिल एकदम गार्डन हो गया। जल्दी करो जी बहुत लेट हो गया, फिर सुबह निकलना भी है। ये वाला मल्टी वाला हाँ नीचे है, हाँ ये है जो हाथ में ली का सारा शॉपिंग खत्म हो गया है। अब कल हम लोग को ओंकारेश्वर निकलना है तो इस वीडियो को हम यहीं पे अंत कर रहे हैं। जो भी जरूरत का चीज था बच्चों को या हम लोग को या दीदी को सब लोग ले लिए हैं और भोले बाबा भी अब कह रहे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं। हल्का हल्का झिसी भी पड़ रहा है, मौसम और सुहाना मस्त हो गया है, चकाचक मौसम हो गया है, सूर्य का मौसम मन भी नहीं कर रहा है। इसी शॉपिंग के साथ इस उज्जैन के मार्केटिंग पे उसके साथ इस वीडियो को अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, सी यू ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा।